राकेश ये मोबाइल खाली है ना, बाजूला नीचे थोड़ा भूम नीचे करो ना, मुंह पे तो भूम ही आ गया। विशाल भूम नीचे करना थोड़ा सा, आपने हमेशा मुझे उनका जी, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी लोगों ने हीरोइक रोल करते हुए देखा, ये रोल जो माँ का रोल है, कितना एक्साइटिंग लगा आपको जब अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था, क्या कहना चाहेंगे उसके? जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी माएँ, आज हम सब जो भी हैं हमारी माँ से बना, मतलब हमारी जन्म से लेकर लालन पालन हर संस्कार हमें हमारी माँ से। हम अपने पिताओं के साथ जितना वक्त में फादर के साथ जितना वक्त में बिताते हैं उतनी ज़्यादा माँ से बिताते हैं। तो आई थिंक सिंस वो एक हीरो है जो हमारे क्यों ना, मैंने सोचा एक बार यू नो मार धाड़ और एक्शन वाला हीरो तो मैंने बहुत किया है, मतलब हीरोइन ये नहीं। एंड सिंगल मदर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें उतना क्रेडिट मिलता नहीं। देखा जाए तो जिस तरह की हमारे कंट्री में लाइफ स्टाइल है, हर माँ घर की सिंगल मदर जैसे कर रही होती है, घर भी संभाल रही होती है, कभी कभी किस कुछ सिचुएशन में अपनी जॉब्स भी संभाल रही होती है और बच्चों को, ना सिर्फ एक कई बच्चों को संभाल रही होती है। सो आपने देखा होगा यार, यू नो एक वर्किंग लेडी ऑफिस से आ रही है, वो मटर छील रही है, वहीं पर प्याज काट रही है और यू नो घर पहुँचते ही खाना भी बना कर खिलाती है। तो ये स्पिरिट हमारे देश की मदर्स। और जब बात आती है सिंगल मदर्स की, उनको सबसे कम क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट के साथ साथ जो जो सोसाइटी से जो चीज़ें उन्हें सुननी पड़ती है या जो सवालों को झेलना पड़ता है आसान नहीं है। बस तो इसलिए इस शो के ज़रिए हम सिंगल मदर्स के बारे में और लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ी इस किरदार के लिए? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ एज एन एक्टर, एज अ वुमन ऑल्सो, कि आज तक मैं माँ बनी नहीं हूँ अब तक तो, पर जब मैं बनूँगी तो जैसे हर हम कहते हैं ना कि यू नो हमारे पेरेंट्स भी पहली बार माँ बने हैं या बाप बने हैं तो उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट रहा होगा, बट मुझे ऑलरेडी माँ बनने का रिहर्सल मिल रहा है और आई वंडर मैं किसी भी माँ बनूँगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एक्सपीरियंस। बट कमिंग बैक एज एन एक्टर था, स्ट्रगल था क्योंकि जब भी मैं कुछ वो सीन क्रिएट करती थी मुझे कहते ममता नहीं दिख रही, मैं सोचती थी ममता ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझमें बीच मुझे नहीं आ रही है। पर फिर जाना, फिर अपनी माँ के बारे में सोचा, अपने सारे फ्लैशबैक्स, तो समझ आया कि ममता एक सैक्रिफाइस थी, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है और एक माँ ना सिर्फ अपने बॉडी के साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है बट अपने पूरे जीवन को कॉम्प्रोमाइज़, अपनी हर खुशियों को, अपने हर हक, मतलब आपकी थाली में भी जो एक एक्स्ट्रा निवाला होता है तो वो माँ खिलाती है, अपने अपना पेट काट कर आपको खिलाती है, तो वो फीलिंग उससे कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि ना इस बार मैं एक सिंगल मदर हूँ। उनका जिस तरह से हमें हम सभी को बताया, आपकी जो खास दोस्त है सुबुल, वो भी एक मैच्योर रोल कर रहे हैं, क्या उनसे इस बार काफ़ी अलग है? नहीं नहीं, सामने तो मेरा सवाल वायर भी लगा रहा है। तो जिस तरह आप एक मैच्योर रोल कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर होते हैं आप इस तरह का मैच्योर रोल करने के लिए? हाँ बोल रहे हो, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड से इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में। आपके किरदार से पूछा जाएगा, आपके किरदार से
थोड़ा सा थोड़ा सा। देखिए टेलीविजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, ना सिर्फ हमारे यू नो जेनरेशन को एंटरटेन करने का बट एजुकेट करने का, और जो कमिंग जेनरेशन है, जो भी जो माताएं वैसे लड़कियाँ हैं, कोई लिमिटेशन नहीं लगनी चाहिए कि एक औरत, अगर एक औरत इंडिपेंडेंट हो सकती है, अगर एक लड़की प्यार में हो सकती है, और एक लड़की मतलब औरत सब कुछ हो सकती है। और यहाँ जानवी एक इंडिपेंडेंट माँ है, वो जॉब भी करती है, अपने बच्चे को भी संभालती है, बट अब तक उसने प्यार के बारे में नहीं सोचा है, और क्या वो कोशिश कर रही है प्यार। Thank you.